अच्छे से मिली, छोटा सा बाबू है, मुझे रास्ते में मिला, मैं कोलकाता से यहाँ से रास्ते से गुजर रहा था, अचानक मैं देखा यू नो भोलेनाथ का इतना अच्छा खूबसूरत सा चित्र बनाया हुआ है और लिखा हुआ हेल्प मी हर हर महादेव। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। सो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो ब्लॉग पे बने रहिए। आज घर में सत्यनारायण भगवान जी का पूजा हो रहा है, भाई एंड भाभी दोनों कर रहे हैं, और मैं आप सबको वो क्लिप जो है आप सबको दिखाना ज़रूर चाहूँगा। हमें जाने वाले कोलकाता घूमने के लिए, तो आज का ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो ब्लॉग पे बने, जलाधिनाथाय नमः अपामपते वरुणाय नमः चढ़ादी जी। चावल दीजिए अक्षय से स्वम रूपयामी एवं फूलदन चढ़ादी मालते आदि सुगंध्यानि पुष्पानि। हे गाइस, तो अभी हम लोग समय हो रहा है अभी 4:30 और अभी जैसा कि मैं आप सबको बोला था कि सुबह कोलकाता घुमाऊंगा, तो अभी घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ब्लॉग पे बने रहें, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। हम लोग छोटी साक्षी अभिषेक और हम जा रहे हैं, छोटी को कुछ कपड़े लेने हैं, तो बैठ गया हूँ मैं, और अभी जा रहे हैं सुबह बाजार से मेट्रो लेंगे, मेट्रो से फिर चलेंगे। यहाँ बैठी हुई है अभिषेक, छोटी यहाँ है। तो गाइस बस से उतर गए, अब मेट्रो की बारी है, तो मेट्रो में कोलकाता आए और मेट्रो ना चढ़े तो यार से फीलिंग नहीं आता कोलकाता का, तो मेट्रो में अभी चढ़ने वाले, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली मैं ले नहीं सकता हूँ वीडियो क्योंकि अलाउ नहीं रहता है, तो मेट्रो से उतरने के बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो सुबह बाजार मेट्रो से मैं उतर गया हूँ और मेट्रो में एक्चुअली अलाउ नहीं है कि वीडियो बनाना, फ़ोटो शोटो लेना, तो इसलिए मैं इसकी वजह से मैं वहाँ पे वीडियो नहीं लिया, शूट नहीं किया। आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल एकदम यू नो गर्मी लग रहा है, मैं शर्ट पहन के घूम रहा हूँ कोलकाता में, और पंजाब में तो ठंड था। अभी छोटी को लेना है कुछ ड्रेसेस क्योंकि कल है रिसेप्शन, और तो उसको कुछ ड्रेसेस लेना है, तो उसके लिए हम लोग आए हैं शॉपर्स स्टॉप, तो वहाँ पे जाएंगे और कुछ उसके लिए ड्रेस पसंद करेंगे। लोग जा रहे हैं फोरम, तो इसके इस मॉल के अंदर चलते हैं। स्टारबक्स कॉफी, फाइनली हम लोग मॉल के अंदर ही आने वाले हैं, तो मॉल में सबसे पहले टेस्टिंग हो रहा है। ये रहा मैक्स का शोरूम। गाइस अभी हम लोग आ गया है फोरम मॉल के अंदर, और यहाँ का व्यू मैं आप सबको दिखला सकता हूँ। हम लोग जा रहे हैं शॉपर स्टॉप्स के अंदर, मॉल के अंदर। छोटी कुछ पसंद आया तुमको? एनीथिंग? मॉल के बाहर में आप छोटे छोटा शॉप देख सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग्स का है, अच्छे अच्छे लाइट्स हैं इसमें। ये कपड़े का है, आगे शूज का है। एक बच्चा मिला मुझे, और ये देखिए कितना खूबसूरत भोलेनाथ का बनाया हुआ है, हेल्प मी हर हर महादेव, और ये चॉक्स का यूज़ करके इस बच्चे ने बनाया। तुमने खुद से बनाया है? हाँ, ऐसे बनाया चॉक्स। खुद से बनाया ना? हाँ। भोलेनाथ, वाह बहुत अच्छा बनाया बाबू, क्या क्या इस चीज़ से बनाए हो? कैसे? सारा चौक से बनाए हो ना, कलर वाले चौक से। सो गाइस आप देख सकते हो एक छोटा सा बच्चा रोड के किनारे बैठा हुआ है और भोलेनाथ का यू नो चित्र बनाया है। इस बच्चे से मिले, छोटा सा बाबू है, मुझे रास्ते में मिला, मैं कोलकाता से यहाँ से रास्ते से गुजर रहा था, अचानक में देखा यू नो भोलेनाथ का इतना अच्छा खूबसूरत सा चित्र बनाया हुआ है और लिखा हुआ हेल्प मी हर हर महादेव, और बैठा हुआ है बच्चा। बाबू मम्मी पापा काम करते हैं और मम्मी घर का काम करता है, ये बच्चा बोल रहा है। स्कूल जाता है? हमेशा डेली बनाते हो? कभी कभी बनाते। सो गाइज ये बच्ची बोल रही है कि स्कूल का ट्यूशन का फी भरना है, सो इसलिए ये भोलेनाथ का यह फिगर बनाई है, और मैं चाहूँगा भोलेनाथ इसे खुश रखे, आशीर्वाद दे बच्ची को, और मैं भी इस बच्ची को कुछ हेल्प करना चाहूँगा उससे जितना हो सके। सो गाइज बहुत
बहुत ही अच्छा, मतलब यू नो बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ मुझे देखने को मिला रास्ते में। स्कूल जाते हो ना, पढ़ाई करते हो, कौन से क्लास में? थ्री क्लास में। वेरी नाइस। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अभी स्कूल खुल गए? नहीं खुले तो, स्कूल तो अभी खुले नहीं गाइस कोरोना की वजह से ना। गाइस मैं इस बच्ची को कुछ हेल्प करना चाहूँगा। इतना खूबसूरत का चित्र बनाया है इसने भोलेनाथ का, एक बार और आप सबको दिखाना चाहूँगा इसे। सो गाइस आप सबने देखा कि छोटा सा बच्चा यहाँ पे भोलेनाथ का चित्र बनाया हुआ है, और एक बार और मैं आप सबको चित्र दिखाना। सो गाइस ये रहा भोलेनाथ का चित्र इसने बनाया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस हेल्प मी हर हर महादेव। देखिए कुछ अपना टैलेंट दिखा के बच्चा आपको फोर्स करके नहीं ले रहा है, ये बैठा हुआ है रोड के किनारे। अगर आपका इच्छा हो तो आप इसे मदद कर सकते हो। सो मैंने इसे देखा, चलें बाय बाय। हम लोग आया है तो कुछ तो खाना पड़ेगा ना, तो हम लोग लास्ट में फाइनली गुपचुप खा रहे हैं। अभिषेक, साक्षी, छोटी और ये रहा गुपचुप, मैं भी खा रहा हूँ। आया हूँ ब्रांड फैक्ट्री। अभिषेक ने बोला कि यहाँ कपड़े सस्ते मिलते हैं, तो मैं सोचा कि चलो देख लेते हैं, देखने में क्या दिक्कत। तो आ गया घर यानी कि फैक्ट, और छोटी को जो लेना था मार्केटिंग करना था कर लिया, और हम लोग आने टाइम भी मेट्रो से आया फिर बस से आया। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो चलिए घर जाते हैं और कुछ खाना खाते हैं, काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी। हे गाइस सो अभी होने वाली है डांस, उसके बाद भाभी डांस करेगी। गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, और गाइज भूलिएगा नहीं आज रिसेप्शन है, यानी आज रिसेप्शन है, तो आज वाला ब्लॉग जो है कल सुबह आप सबको देखने को मिल जाएगा 8 बजे। सो गाइज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप सब भी एक्साइटेड रहिए क्योंकि रिसेप्शन में काफ़ी मस्त वाला ब्लॉग आने वाला है। सो गाइज कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।